देखें, अगर आप स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं और कोई शॉर्ट टर्म के लिए एक अच्छा स्टॉक ढूंढ रहे हैं, साथ में एक स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी बढ़िया स्टॉक मिल जाए, तो आपका काम बिल्कुल मैंने आसान कर दिया है। क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम दो स्टॉक के ऊपर बात करने वाले हैं। एक स्टॉक है जिसके अंदर ब्रेकआउट हो चुका है, उसको आप शॉर्ट टर्म के लिए देख सकते हैं, और एक स्टॉक है जिसमें अभी ब्रेकआउट नहीं हुआ है। ब्रेकआउट से पहले बता रहा हूँ कौन सा बाइंग का लेवल होगा, वीडियो में आगे बात करने वाले हैं। तो उसमें अगर यहाँ पर बाइंग का लेवल आता है तो उस स्टॉक के अंदर आप यहाँ पर स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं विजय, आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और इस वीडियो के अंदर हम दो स्टॉक के ऊपर बात करने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक डिस्क्लेमर है, इस वीडियो के अंदर जिन स्टॉक्स के ऊपर हम बात करने वाले हैं वो सिर्फ एक एजुकेशन के मकसद से है। खरीदारी बिकवाली करने की मेरी कोई राय नहीं है। जो भी कुछ आपको करना है अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लेकर आप कर सकते हैं। तो हमारा जो आज का पहला स्टॉक है वो है सीई इन्फो सिस्टम, जिसको हम मैप माई इंडिया के नाम से भी जानते हैं, और इसका जो कोड है मैप माई इंडिया है एनएससी पर। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे समय और डेट बताना चाहूंगा। ये जो वीडियो बनाया जा रहा है ये 23 अप्रैल 2024 को बनाया जा रहा है, और आज के दिन अगर मैं मैप माई इंडिया के स्टॉक के भाव की बात करता हूं तो 2031 रुपए आज का क्लोजिंग भाव है, और लगभग 7% के आसपास की तेजी मैप माई इंडिया के स्टॉक के अंदर आई है। अभी मैप माई इंडिया के यहां पर नतीजे आए थे, नतीजे बहुत ही बढ़िया रहे मैप माई इंडिया के। तो चलते हैं चार्ट पे और देखते हैं कैसा चार्ट है मैप माई इंडिया का, जिसकी वजह से हमने इस स्टॉक को सिलेक्ट किया है। अब देखे दोस्तों, अगर आप हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल के साथ ज्वाइन होना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, वहां पे जाके आप ज्वाइन हो सकते हैं। क्योंकि हमने जो कल भी ट्रेड दिए थे और अपना 5 ब्रेकआउट स्टॉक के जो ट्रेड दिए थे सभी के अंदर अपने टारगेट यहां पर कंप्लीट होते हुए नजर आए थे, तो आप टेलीग्राम चैनल के साथ ज्वाइन हो लेना। तो मेरे पास मैप माई इंडिया का सबसे पहले वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट में आपको इसलिए दिखाना चाह रहा हूं कि कहां पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, स्टॉक का क्या ट्रेंड चल रहा है, उसके बारे में हमको जानकारी पता लग जाए। तो यहां पे हमारे पास 1650 रुपए के आसपास से एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है मैप माई इंडिया का। उसका रीजन है यहाँ पे ये रेजिस्टेंस रहा, उसके बाद कुछ टाइम तक यहाँ पे ब्रेकआउट पर रिटेस्ट किया, और अभी जो लगभग 2300 रुपए के आसपास का जो हाई लगा क्या आया था मैप माई इंडिया, उसके बाद की जो गिरावट थी वो भी ठीक 1650 रुपए के आसपास यहाँ पर रुकती हुई नजर आई थी, और बहुत ही जबरदस्त कैंडलस्टिक पैटर्न बनी थी यहाँ पे, जिसके बारे में अभी हम आगे वीडियो में बात करने वाले हैं। तो जिस तरह से मैप माई इंडिया का चार्ट है, अभी ज्यादा पुरानी लिस्टिंग है नहीं, 2022 के अंदर लिस्टिंग हुई थी, और यहां से हम एक अप ट्रेंड ही कहेंगे, और 1650 रुपए एक स्ट्रॉन्ग हमारा सपोर्ट है। अब बात करते हैं हम कैंडल के ऊपर। तो यहां पे आपको एक कैंडल नजर आ रही होगी, बहुत ही क्लासिक डोजी कैंडल, ठीक है जी। सपोर्ट के पास में ये अपने पास डोजी कैंडल बनी है मैप माई इंडिया में। एक मिनट में इसको यहाँ पे हटा देता हूँ, जो येलो कलर का मैंने जोन बना रखा है, ठीक है जी। अब आपको यहाँ पर ये जो डोजी कैंडल है इसको हम कहते हैं ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल, मतलब ये जो ट्रेंड चला रहा था इस ट्रेंड के, इस कैंडल के बनने के बाद, इसके कंफर्मेशन होने के बाद में स्टॉक का जो ट्रेंड था वो खत्म हो गया है, ठीक है जी। जो मतलब जो डाउन ट्रेंड था वो खत्म हो गया, अब ट्रेंड स्टार्ट हो चुका था, तो इसका कंफर्मेशन हमको इस वाली ग्रीन कैंडल ने भी दे दिया है कि अब यहाँ पर कंफर्मेशन हो चुका है मैपमाई इंडिया के स्टॉक के अंदर कि अब यहाँ से ये ज्यादा गिरने वाला नहीं है। साथ में एक ट्रेंड लाइन भी आ रही थी, जिस ट्रेंड लाइन का यहाँ पे देख सकते हैं ये एक रेजिस्टेंस था, जिसका बार बार रेजिस्टेंस ले रहा था, वो यहाँ पे ब्रेक होता हुआ नजर आ रहा है, ये रेजिस्टेंस है अपने पास, ठीक है। तो यहाँ पे मोटा मोटी मैंने आपको वीकली चार्ट समझा दिया है, किस तरह से यहाँ पर एक ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल बनी है ये भी आप पहचान गए होंगे। अब मैं डे चार्ट पे चलूंगा, क्योंकि डे चार्ट के ऊपर यहाँ पर एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न बना है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और ऐसे वीडियो देखने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैंने भी आपको ट्रेंड लाइन जो बताई थी वीकली पे बताई थी, मैं एक बार डे पर बताना चाहूंगा, क्योंकि कोई भी चीज बतानी है ना उसको अच्छी तरह से जानना बहुत जरूरी है, ठीक है जी। तो नॉर्मल आपने देखा होगा कि कोई स्टॉक ब्रेकआउट के बाद देता है तो कहते हैं कि वो अगर रिटेस्ट कर लेता है तो बेस्ट माना जाता है बाइंग के लिए। तो सेम टू सेम प्रोसेस हम यहाँ पे ट्रेंड लाइन के लिए भी मानने करते हैं, क्योंकि अगर कोई ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो रही है और एक बार उस ट्रेंड लाइन को यहाँ पे रिटेस्ट करके जब ऊपर स्टॉक निकल जाएगा बहुत ही अच्छा माना जाता है, ठीक है जी। तो मैंने वीकली पे आपको बता दिया, देखो कितनी बार इस ट्रेंड लाइन के स्टॉक टच हो रहा है, 3 दिन यहाँ टच हुआ स्टॉक ऊपर गया, ठीक है। स्टॉक ऊपर जाने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि ये जो हमारी ट्रेंड लाइन थी इसको एक बार आके इसने यहाँ पर रीटेस्ट कर लिया है, ठीक है जी। स्टॉक ऊपर गया, स्टॉक में गिरावट आई, जो ट्रेंड लाइन पहले ये एक रेजिस्टेंस का काम कर रही थी अब वो सपोर्ट का काम किया है, स्पिनिंग बॉटम कैंडल बनी और उसके बाद की तेजी हमको ये नजर आई। तो ट्रेंड लाइन अगर ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट कर लेती है तो बहुत ही अच्छा माना जाता है मार्केट के अंदर, ठीक है जी। अब हम बात करते हैं पैटर्न के ऊपर, भैया कौन सा पैटर्न बनाए। तो यहाँ पे
पैटर्न जो बनाए वो बनाए इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न, और मैं आपको इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न बना के दिखा देता हूँ। और अपनी जो नेकलाइन है वो 1950 रुपए के आसपास की है, ठीक है जी। मैंने जो चार्ट के अंदर येलो कलर का ये वाला जोन बनाया, ये नेकलाइन है और ये लेवल हम 1950 रुपए का लेके चलेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो दो बार रेजिस्टेंस, पहले सपोर्ट लिया था, सपोर्ट ब्रेक हो गया, तो आप सभी को मालूम है कि रेजिस्टेंस का काम करता है। तो देखो यहाँ पे तीन बार ये रेजिस्टेंस ले चुका है। अब यहाँ पे पैटर्न देख लीजिए, ये लेफ्ट शोल्डर हो गया, ये हेड हो गया, हेड के बाद ये राइट शोल्डर हो गया, ये अपनी आज की ब्रेकआउट कैंडल, ब्रेकआउट कैंडल के बाद में ये हुआ है वॉल्यूम के साथ में। तो इस तरह से वॉल्यूम के साथ में इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न का ब्रेकआउट मैप माई इंडिया के स्टॉक के अंदर हो चुका है, और मुझे तो इसके जो टारगेट है वो अच्छे खासे नजर आ रहे हैं, क्योंकि 1950 रुपए का जो लेवल है ना वो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है इसके लिए। मैं चलिए जी और आपको दिखा देता हूँ कि कितना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था 1950 के लेवल का, वो आपको देखिए यहाँ पे ये गिरावट आई, इसी जगह पे सपोर्ट लिया, ये सपोर्ट लिया, ठीक है जी। इस तरह से 1950 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस बन रहा था जिसका ब्रेक कर दिया है, और मुझे जो टारगेट इस स्टॉक के नजर आते हैं ये वाले जो एरिया है कहाँ है, ये 2300 रुपए के आसपास के, भैया ये टारगेट मुझे मैप माई इंडिया के स्टॉक के अंदर नजर आते हैं। तो हमने आपको पहले कहा था कि मैं स्टॉक शॉर्ट टर्म के लिए बता रहा हूं, तो शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉप लॉस का रखना होगा जो अपना लेफ्ट शोल्डर है उसके लो के नीचे का, तो स्टॉप लॉस बनता है 1775 रुपए के नीचे, ठीक है जी। 1775 के नीचे का स्टॉप लॉस रख के होल्ड कर सकते हो। अब आप यहाँ से कहोगे यहाँ से तो रिस्क रिवार्ड रेशियो ठीक नहीं है कि जितना रुपए जाना है उतना ही हमारा रिस्क है, तो फिर आपको क्या करना है। तो इसके लिए भैया दो काम मैं आपको करके बताऊंगा कि स्टॉप लॉस को किस तरह से आपको मैनेज करना है। पहला स्टॉप लॉस तो क्या कर लेंगे, या तो इस ट्रेंड लाइन का लेके चलिए कि जब भी ये ट्रेंड लाइन के नीचे ब्रेकडाउन हो जाएगा मैप माई इंडिया का स्टॉक, तो हम इसके नीचे से बाहर निकल जाएंगे स्टॉक में से, ठीक है। अगर आप ये ट्रेंड लाइन को फॉलो करना नहीं चाहते हो तो फिर अभी जो ब्रेकआउट कैंडल हुई है उससे पहले क्या बना है इसमें इनसाइड कैंडल, ठीक है जी। इसका लेवल है 1900 रुपए का, तो मैं आपको यहाँ पे भी दिखा दूंगा। ये अपनी ग्रीन कैंडल थी, दो ये रेड कैंडल बनी, इस रेड कैंडल के लो के नीचे का आपको एसएल रखना है। ये कितना बन रहा है 1900 रुपए का। अब तो रिस्क रिवार्ड रेशियो आपका बिल्कुल ठीक है जी, ठीक है, जो भी आपको सही लगता है। अगर आपको लगता है भैया मैं लेफ्ट शोल्डर के नीचे रखूंगा जब तक इसके ऊपर है मैं होल्ड करूंगा, इसके नीचे का रख लीजिए। आपको लगता है स्टॉप लॉस ज्यादा है, इस तरह से ट्रेंड लाइन बना लिए जी, इसके नीचे अगर निकलता है ट्रेंड लाइन के नीचे ब्रेकडाउन होता है तो अपना एसएल हिट समझ लीजिए। ये भी नहीं रखना चाहते हो तो भाई इस रेड कैंडल के लो के नीचे का तो स्टॉप लॉस आपको रखना ही होगा, ऊपर का रखोगे तो स्टॉप लॉस हो सकता है कि आपका यहाँ पर ट्रेल हो जाए। तो इस तरह से हमने आज का जो पहला ब्रेकआउट स्टॉक है वो मैप माई इंडिया है। बाकी एक चीज और मैं बताऊं, जिस तरह के फंडामेंटल है मैप माई इंडिया के, मुझे लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक बहुत ही बढ़िया लग रहा है, और मुझे इस स्टॉक के अंदर एक टाइम करेक्शन होता हुआ नजर आ रहा है जो है मेरी तरफ ऊपर की तरफ ये 2300 रुपए का, नीचे की तरफ है मेरे पास में 1600 रुपए का। तो इस बॉक्स के अंदर यहाँ पे मैप माई इंडिया काम कर रहा है, और जिस दिन इस बॉक्स का ब्रेकआउट यहाँ से हो जाएगा मैप माई इंडिया और भी बड़ी तेजी से स्टॉक के अंदर आती हुई नजर आएगी। तो उसके ऊपर तो फिलहाल हम बाद में बात करने वाले हैं, अभी तो हम 2300 रुपए के टारगेट के लिए मैप माई इंडिया के स्टॉक को देखने वाले हैं, ठीक है जी। तो ये अपना पहला स्टॉक हो गया, अब मैं सेकंड स्टॉक पर चलता हूँ। तब तक आप वीडियो को लाइक व शेयर कर दीजिए, टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, भाई जल्दी से जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। आज का मेरा जो सेकंड स्टॉक है वो है मिश्र धातु निगम लिमिटेड। अभी मिश्र धातु के अंदर यहाँ पर ब्रेकआउट नहीं हुआ है, ब्रेकआउट से पहले मैं बता रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों की शिकायत रहती है कि आप ब्रेकआउट के बाद बताते हो, तो भैया जैसा सेटअप बनता है उसके हिसाब से बताते हैं। तो मिश्र धातु निगम लिमिटेड का हम पहले भी लॉन्ग टर्म के लिए तो दे चुके हैं, स्टॉक को होल्ड रखना है, लेकिन जब भी स्विंग ट्रेडिंग के मौके मिलते हैं तो लगातार हमको बाइंग करते रहना है। तो सबसे पहले इसका कोड है वो है मिधानी के नाम से, आपको कोड मिल जाएगा 436 रुपए आज का क्लोजिंग भाव है, और लगभग 5% की तेजी आपको मिधानी के स्टॉक के अंदर आती हुई नजर आ रही है। और अब मैं चलता हूँ चार्ट पे, देखता हूँ कैसा चार्ट है मिधानी का। अब ये मेरे पास में वीकली चार्ट है मिधानी का, तो मैं अगर वीकली चार्ट पे एनालिसिस करके बता दूंगा कि स्टॉक के अंदर हो क्या रहा है। देखो यहाँ पे जो 350 रुपए का जो लेवल है ना वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन के आ रहा है मिधानी के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हो ये सपोर्ट रहा, अभी जो गिरावट आई थी डोजी बन के स्टॉक ऊपर चला गया है, और यहाँ पर जो 440 के आसपास का ये जो पूरा एरिया है ये इसके लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, 440 के आसपास का 436 यहां पर क्लोजिंग भाव है। अब आप ये कहोगे कि इसके अंदर तो एक बियरिश रिवर्स चार्ट पैटर्न बन रहा है, कौन सा चार्ट पैटर्न बन रहा है जल्दी से मुझे कमेंट्स करके बताओ। मिधानी के अंदर देखो भाई यहां पे बन रहा है हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न। हेड एंड शोल्डर किस तरह से, ये लेफ्ट शोल्डर हो गया, ये हेड हो गया, हेड के बाद ये राइट शोल्डर हो गया, है ना। तो हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न हो गया, तो हेड एंड शोल्डर का मतलब है भैया कि यहां से स्टॉक के अंदर गिरावट आएगी,
भाई ऐसे गिरावट नहीं आती है। गिरावट जब आएगी जब ये येलो कलर की जो नेकलाइन है ना, कितनी है, 350 रुपए की, इसके नीचे जब हमको कंफर्मेशन हो जाएगा ना, तब हम कहेंगे कि हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न का ब्रेकडाउन हो चुका है। तब तक मैं तो ये कहूंगा कि स्टॉक यहाँ पर एक टाइम करेक्शन कर रहा है, तो हमको जो भी मौके मिलते हैं वो पूरा बुनाना चाहिए। ठीक है जी, तो हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न बन रहा है, इस बात से मैं भी सहमत हूँ, लेकिन उसका कंफर्मेशन तो होना चाहिए ना। 440 रुपए का आपको स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस नजर जरूर आ रहा होगा। तो ये मैंने वीकली चार्ट पे एनालिसिस कर दी है, अब मैं आपको इसको डे चार्ट पे लेके चलता हूं। मैंने क्यों सेलेक्ट किया है उसका भी तो कारण पता चलना चाहिए ना आपको। अब ये मेरे पास डे चार्ट रहा, इस डे चार्ट के अंदर देखूंगा ना, तो 440 रुपए मुझे रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, पैटर्न है वो भी इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, इसके अंदर भी बना है। ठीक है जी, नेकलाइन ब्लैक कलर जो येलो कलर की है 440 की है, ये आप देख सकते हो लेफ्ट शोल्डर, ये हेड और हेड के बाद राइट शोल्डर बना है। और यहां से देखें तो पिछले 7-8 दिन से एक इस छोटे से बॉक्स के अंदर यहाँ पर मेधानी का स्टॉक काम कर रहा है। ठीक है जी, और यहाँ पे देखो तो एक अपने पास में गैप भी बना हुआ है 440 के लेवल के ऊपर। तो या तो यहाँ पे दो चीज हो सकती है, हो सकता है कल यहाँ पे इस तरह से गैप अप ओपन हो जाए तो यहाँ पर अपने पास में ये बुलिश आइलैंड पैटर्न बन जाएगा। अगर यहाँ से गैप अप ओपन नहीं होता, नॉर्मल इस गैप को फिल करता हुआ निकल जाएगा, तो ये अपने पास में एग्जॉशन गैप हो जाएगा। ठीक है जी, एग्जॉशन गैप का मतलब है कि ये जो ट्रेंड चला रहा था ट्रेंड खत्म हो रहा है, यहाँ से अब ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा। तो ठीक है जी, उसके लिए आपको क्या करना होगा भाई, 442 रुपए के ऊपर निकलने के बाद में मिधानी के स्टॉक को स्विंग ट्रेडिंग के लिए बाय कर सकते हो। इंट्राडे के अंदर भी आपको अच्छे पैसे बना के दे सकता है। बाकी भैया मैं तो टारगेट और बड़े लेके चल रहा हूं इस स्टॉक के अंदर, लेकिन ये था अपना स्विंग ट्रेडिंग का। तो यहां से लगभग 458 रुपए का पहला टारगेट रहेगा अपना, 458 का पहला टारगेट देखें तो लगभग 5-6% का प्रॉफिट आ सकता है, कोई बुरा नहीं है स्विंग ट्रेडिंग के लिए। वो अगर ब्रेकआउट हो जाएगा तो 485 का हम सेकंड टारगेट लेके चलेंगे, बाकी के टारगेट लगातार टेलीग्राम पर अपडेट करते रहेंगे। ठीक है जी, तो वहां पर आप ज्वाइन हो लीजिएगा। और ये मैं एक बार आपको डे चार्ट भी दिखा देता हूं भैया मैंने क्यों सेलेक्ट किया है। तो यहां पे देखें तो जो रेजिस्टेंस था उसके पास क्लोज हुआ है, ये लेफ्ट शोल्डर हो गया, ये हेड हो गया, हेड के बाद राइट शोल्डर बन चुका है। बाकी देखें तो 1H के चार्ट पे इस तरह से बॉक्स पैटर्न भी बन चुका है। ठीक है जी, तो इस बॉक्स के ब्रेकआउट के बाद में आपको अच्छी खासी तेजी मिधानी के स्टॉक के अंदर आ सकती है। ब्रेकआउट नहीं हुआ है, पहले बता रहा हूं, ब्रेकआउट हो जाएगा जो लेवल बाइंग का दिया है उसके ऊपर निकल जाएगा, तब आपको स्टॉक को ऐड करना है मिधानी के स्टॉक को। स्टॉप लॉस क्या रखना है भाई, स्टॉप लॉस रखेंगे 428 रुपए का, 428 के स्टॉप लॉस के साथ में मिधानी के स्टॉक को स्विंग ट्रेडिंग के लिए बाय करना है। तो इस तरह से आज के इस वीडियो के अंदर हमने दो स्टॉक के ऊपर बात करी है, स्टॉक का नाम फिर लेना चाहूंगा। सबसे पहले हमने मैप माई इंडिया की बात करी है, उसके बाद मिधानी की बात करी है। इन दोनों में से आपको सबसे बढ़िया चार्ट कौन सा लगा है मुझे जल्दी से कमेंट्स करके बताइएगा, और उम्मीद करता हूं आज का वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा।